दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं दिलीप सिंह और आप देख रहे हैं बींग सेवर यूट्यूब चैनल। और आज हम पहुंच चुके हैं कटरा मेदिगन मार्केट के ठीक पीछे, गांव का नाम है बहलोलपुर। और यहां हमने एक बहुत ही खूबसूरत लेकिन अग्रेसिव जुवेनाइल स्पेक्टेकल्ड कोबरा रेस्क्यू किया। वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है, वीडियो में लास्ट तक बने रही है, आपको बहुत मजा आएगा। कौन कहती थी वहाँ घुसी अंदर इधर से भी लहा एक सेकंड रुक जा बताओ थे हाँ कुदाल ले आओ लाठी छूट जाए कुछ भी एक चीज से उठाओ टूट जाए इधर से खोद दे तो इधर से निकल जाए लाठी से इधर से खोदा इधर से निकले आओ डाला देखे रहा तोरे कहते बस निकले ना पाओ है भाई का हाँ उठाओ हाँ या बा या बा रुका दब जाए उठाए रहे हैं दब जाए निकले उधर नहीं नहीं छोड़ा ना मर जाए और अंदर और डाल पकड़ा एक हटा हटा उधर ना जाए छोड़ा छोड़ 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 दे छोड़ दे छोड़ दे किधर ना जाए किधर ना जाए बच्चा है बच्चा है अभी ज्यादा एज नहीं है इसकी नागिन नहीं ऐसे नाग नागिन का पता नहीं चलता इससे ये बच्चा है अभी फिलहाल जेंडर का नहीं पता चलता बहुत एंग्री है बहुत खूंखार है देख रहे हैं इतना तेज बहुत की अब ये नहीं जाएगा कहीं फोकस मोबाइल पे होगी ना तो क्या लगता है। सो दोस्तों हमारे ज़्यादातर रेस्क्यूज़ गांव में होते हैं क्योंकि गांव में शहरों के अपेक्षा अधिक सांप निकलते हैं और गांव की भाषा हमारे अवधी है, लोग अवधी में ही सवाल जवाब करते हैं और हमें भी अवधी में ही जवाब देना पड़ता है। आप इस वीडियो में देखेंगे कि लोग अजीब अजीब से सवाल पूछते हैं और ऐसे ऐसी बातें करते हैं जो कि अक्सर गाँव में की जाती हैं। वीडियो को देखिए और इन्जॉय करिए। सो दोस्तों जीव जंतुओं को बचाने के इस अभियान को जारी रखते हुए आज हम पहुंचे हैं फिर से कटरा मेदिनीगंज के पास बहलोलपुर गांव है। वहां पर हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि एक कोबरा सांप का बच्चा घर के सामने निकला हुआ था। तो देख सकते हैं आप बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव और बहुत ही शानदार ये इंडियन स्पेक्टेकल्ड कोबरा का बच्चा है ये। इसको हमारे यहाँ नाग कहते हैं, इसको फिटार कहा जाता है, इसी को गेहुअन भी कहा जाता है और ये हाईली वेनमस स्नेक होता है, न्यूरोटॉक्सिक जहर इसके अंदर होता है और अगर किसी इंसान को ये काट ले तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इसको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में लेकर जाए, वहाँ पर एंटी वेनम का डोज लगता है, वहाँ पर उसको लगवाएं और जल्दी से जल्दी उसका इलाज कराएं, तभी जान बचनी है, अदरवाइज़ इसके काटने पर जान बचना बहुत ही मुश्किल है। तो दोस्तों इसके साइज़ से कुछ नहीं फ़र्क पड़ता, ये चाहे छोटा हो या बड़ा हो, अंडे में से निकला बच्चा भी उतना ही वेनमस होता है जितना कि एक बड़ा अडल्ट। तो इसलिए हमेशा सावधानी बरतें, अपने घरों के आसपास साफ सफाई रखें, राशन अनाज के आसपास हमेशा ध्यान दें ताकि इस तरीके के सांप हमारे घर में ना आ सकें। और दोस्तों एक रिक्वेस्ट और है आप लोगों से कि ऐसे जीव जंतु अगर निकले तो प्लीज़ उनको मारे मत, पर्यावरण का हिस्सा है ये, इनको भी जीने का हक है और इनको भी उतना ही अधिकार है जीने का जितना हमें है। तो इसलिए अगर आपके घर के आसपास कहीं भी ऐसा सांप निकलता है तो प्लीज़ तुरंत हमें कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, हम तुरंत वहां पर पहुंचेंगे और ऐसे जीवों का रेस्क्यू करेंगे। हाँ एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है आप सभी से कि
प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लगातार मेहनत कर रहे हैं ऐसे जीवों को बचाने के लिए। और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो अगर पसंद आती है, हमारा काम पसंद आता है तो। इससे हमें बहुत एनर्जी मिलती है, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी महसूस होती है और काम करने की ऊर्जा मिलती है और आप सबकी सेवा करने का मौका मिलता है। बढ़ेगा नहीं कहीं, अब वो कहीं नहीं जाएगा, उसका ध्यान अब एक जगह हो गया है ना। अभी जब तक वहां पर था उसका ध्यान भागने पर था, लेकिन अब उसको पता चल गया कि अब भागने से नहीं। सब अरे सब रहता बचपन अंडे में से निकलते, अभी ठंडी सीजन है, जगह कहीं खोज रहा है ठोस, जहां इसको जगह मिल जाती वहीं पर ठंडी निकालता अपनी। अच्छा इधर से आए थे, मदारी वाला ना हो, एक पूरा जहर है पर्याप्त। हाँ एकदम एकदम इनके बनत रहा, जैसे हमारे सबके थूक बनत रहा था ना, वैसे रहा थे ना उनके जहर। जैसे एक बार काट ली है क्योंकि मतलब फिर से काट ली है तो वो जहर है उनका। एक बूंद तो बहुत है ना इंसान के मारे भी ना, नहीं 80 हाथी नहीं, मतलब एक कोबरा काटेगा तो हाथी मर जाएगा, निपट जाएगा। यही अगर काट लेगा और उसके खून में पहुंच गया इसका जहर तो हाथी बचेगा नहीं फिर। हाँ बड़ा छोटा नहीं, जहर का क्वालिटी सब में सेम है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। सपोलोनों में वह है, चाहे सपोला हो चाहे बड़ा नाग हो, सपोला तो ज्यादा खतरनाक होता है, सपोले को अंदाजा नहीं होता है कितना जहर छोड़ना। बड़े नाग तो झूठ मूठ का भी ऐसे फुसकार मार देते हैं, लेकिन ये लोग जो है देखिए, अब ये झूठ मूठ का मारा का, इसको जहर देखिए जरा भी नहीं छोड़ा। जब इसको बहुत परेशान किया जाए, जब पूछ उछ दबा दिया इसका, कोई पैर और किसी का पड़ गया तो कचकचा के भाई, जैसे यहाँ पकड़ लिया, इतना बड़ा सा मुंह है, बस फर्क और कुछ नहीं, जहर उतना ही है सब में। चली समेटी, हाँ समेटा, पीछे कैसे बना है जगह का है यही तो मंतर मार। हाँ मंतर है बहुत तगड़ा मंतर। तो यार स्टाइल से जो ना कूदत की गया ना, कहाँ छोड़ रहे हैं अभी का छोड़ा, वही सही नदी किनारे का। तो चली सुसुआत है,